Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So आज का जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ समर स्पेशल. आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह कॉटन की प्लेन साड़ीज़ के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉटन के ही ब्लाउजेज स्टाइल कर सकते हो. बेसिकली हैंडलूम कॉटन के ब्लाउजेज स्टाइल कर सकते हो. बस यार, जैसे समर आ गया है, सेम इन दैट कैटेगरी यहाँ पे मेरा मिनिमल वार्डरोब सीरीज़ का ही एक पार्ट है. हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप हैंडलूम कॉटन के कुछ बेसिक डिज़ाइन के एंड कलर्स के ब्लाउजेज़ अपने वार्डरोब में रखते हो तो कैसे आपका पूरा समर इजीली निकल जाएगा और आपको हर कॉटन की साड़ी के साथ ब्लाउज स्टिच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हीं के साथ आप मिक्स मैच करके ये पहन सकते हो सारे ब्लाउजेस. और आपका जो साड़ी गेम है, जो मुझे ऐसा लगता है मेरे चैनल का कई बार हाईलाइट हो जाता है, बिकॉज मोस्टली मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ तो वो मेरी क्राफ्ट के वीडियोस के बारे में कम बात करते हैं, मेरे होम ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस के बारे में कम बात करते हैं, मेरे ट्रैवलिंग के वीडियोस के बारे में कम बात करते हैं, बट दे टॉक अबाउट माय साड़ी स्टाइलिंग वीडियोस. तो सेम जैसे मेरा जो हाईलाइट है बहुत से लोगों के लिए मेरे वीडियोस का, कि आप अपना साड़ी गेम किस तरह से चेंज कर सकते हो. बस आज की वीडियो में मैं आपको साथ वही छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ. चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी एक ये बहुत ही खूबसूरत सी पर्पल कलर की प्लेन कॉटन की साड़ी है. बहुत सिंपल सी साड़ी है. आई थिंक ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर की थी. अगर इसका लिंक होगा तो आई विल शेयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं. बहुत बेसिक सी सिंपल साड़ी है. इस तरह का बॉर्डर है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है इस साड़ी के साथ, कि एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे इस साड़ी को मैंने सबसे पहले तो इसका जैसे ये गोल्डन बॉर्डर है तो सेम गोल्डन ही मेरा एक ब्लाउज था पुराना. ये मेरा एक्चुअली कैसा ब्लाउज है कि अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा, वो मेरा आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने रीयूज़ ऑफ ओल्ड कुर्तीज़ दुपट्टाज के आइडियाज़ दिए थे कि किस तरह से रीयूज़ कर सकते हो और ब्लाउजेस को. तो ये जो ब्लाउज़ है ना, सेम इसका भी वही प्रॉब्लम था कि ये मेगा स्लीव्स का ब्लाउज था. तो मैंने इसको इसकी स्लीव्स हटवा के इसको स्लीवलेस करवा लिया है. तो ये मेरे बहुत बहुत काम आ रहा है अब ये ब्लाउज़. तो सेम ये जो ब्लाउज़ है ये इस साड़ी के साथ बहुत स्मार्ट लग रहा है बिकॉज गोल्डन बॉर्डर है और ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉम्बिनेशन है. जस्ट कि आप इस साड़ी के ब्लाउज़ को स्टिच करवाने से अच्छा इस तरह के, मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ कि आप गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, वाइट, रेड इस तरह के बेसिक ब्लाउजेस स्टिच करा के रखिए जो आपके बहुत सारी साड़ीज़ के साथ जाते हैं. तो आपको हर साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या स्टिच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो है मेरा ये बहुत ही गॉर्जियस सा कलमकारी का ब्लाउज़. ये मैंने एक्चुअली इसको जैकेट ब्लाउज स्टिच करवाया था और ये मैंने, अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो आपको पता ही होगा, हैदराबाद मींस अगर आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के हो या फिर यहाँ रहते हो तो, कि कलमकारी यहाँ का बहुत बहुत फेमस है और बहुत अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे अवेलेबल है ये. मैं इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू एमपी और वहाँ पे सेम कलमकारी मुझे 300-350 रुपीस मीटर में मिलता है. जो सेम चीज़ यहाँ पे और सिकंदराबाद में, अगर आप शिल्परमम जाते हो या सिकंदराबाद से लेते हो तो ये आपको 100-150 रुपीज़ मीटर में मिलता है. तो अगर आप हैदराबाद में हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसका बहुत सारा स्टॉक रख सकते हो अपने पास इफ़ यू आर इनटू हैंडलूम एंड एवरीथिंग. तो सेम ये जो ब्लाउज़ है इस साड़ी के साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है जो बहुत स्मार्ट लग रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के इस तरह के ब्लाउजेज़ आपकी बहुत सारी साड़ीज़ पे जाते हैं. तो ये एक तरीका था बहुत ही खूबसूरत सा इस साड़ी के साथ मैंने जैसे इसको दो तरह से स्टाइल किया है. तो आप भी इस तरह से मिक्स मैच करके स्टाइल कर सकते हो. सेकेंड जो साड़ी है वो है ये ब्यूटीफुल सी चिकनकारी साड़ी जो मैंने पहनी हुई है. कॉटन की है ये एक्चुअली इट्स अ गिफ्टेड वन. ये मेरी मौसी जी ने मुझे गिफ्ट की थी. वो लखनऊ में रहती हैं तो मेरे पास चिकनकारी इसलिए भर भर के है बहुत सारा. तो इस साड़ी का भी मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है. ये मेरा एक पुरानी साड़ी का ब्लाउज़ है. अगर आपने मेरी लिनन की पीच कलर की साड़ी देखी हो उसके साथ ही आया था.
देन आई थॉट कि जो रेड कलर है ना, तो इस रेड कलर को मैं स्टिच कराऊंगी, इसलिए मैंने इसको स्टिच कराया था कि बिकॉज ये एक रेड कलर मेरी बहुत सारी साड़ीज के साथ जाएगा। तो मुझे हर साड़ी के साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस येल्लो कलर की साड़ी के साथ ये रेड ब्लाउज बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे भी आपको पता है कि येल्लो एंड रेड आर एवरग्रीन कॉम्बिनेशन, हमेशा जेल होते हैं एक दूसरे के साथ। और हेयर ऑल्सो, ये जो ब्लाउज है ये इकत प्रिंट का है एज यू कैन सी, तो इकत प्रिंट और चिकनकारी मैंने यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है, बट दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये एक तरीका है कि ये साड़ी का साथ जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपका पूरा पार्टी वेयर हो जाता है। आप किसी फंक्शन में आराम से इसको पहन सकते हो या ऑफिस में किसी गैदरिंग्स में पहन सकते हो। स्टाइल है जो इस येल्लो साड़ी को इस रेड ब्लाउज के साथ कंबाइन करके मैंने क्रिएट की है। सेकेंड जो देख रहे हो आप यहाँ पे, सेम येल्लो साड़ी मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के प्रिंटेड कलमकारी के ब्लाउज के साथ ही स्टाइल किया है। ये भी सेम मैंने, ये रेड पहले जो आपने देखा पर्पल साड़ी के साथ, और ये सब मैंने एक साथ ही शिल्परम्भम से बाय किए थे, आई थिंक 3-4 ईयर्स बैक। और बिलीव मी, कॉटन के हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली समर्स में। और इस साड़ी के साथ अगेन ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ मेरी साड़ी का जो एक ही सिंगल कलर है, तो उसके साथ आई कैन वेयर अ प्रिंटेड ब्लाउज हेयर। तो ये भी एक छोटा सा टिप है कि इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्लेन साड़ी, यू कैन गो फॉर अ प्रिंटेड ब्लाउज। अगर आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखकर इस तरह का कॉम्बिनेशन पहनते हो ना, तो आपका, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, आपका साड़ी गेम जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। थर्ड जो साड़ी है वो है मेरी ये बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी है। ये मेरी प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी है और इसका जो बॉर्डर है वो है येलो कलर का। मैंने अगेन इस साड़ी का ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है, सेम बिकॉज कॉटन की साड़ी थी ये, मैंने आई थिंक भोपाल से ली थी। यस, तो ये इस तरह की साड़ीज भी आपकी बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो एक्चुअली क्या करती हूँ, जैसे आई डोंट गो टू ऑफिस, तो व्हाट आई डू कि मैं अपने बेटे के पीटीएम में पहन के चली जाती हूँ साड़ीज। एक इम्प्रेशन जमता है, आप अगर कॉटन की साड़ीज इफ़ यू आर वेयरिंग ना, आपका एक क्लास दिखता है। सो यहाँ पे मैंने इस ब्लैक कलर की साड़ी को सेम ये कलमकारी का ही मेरा येलो कलर का प्रिंटेड एक कॉटन का ब्लाउज है उसके साथ स्टाइल किया है, बिकॉज इस साड़ी का जो बॉर्डर है वो येलो में है। तो इस साड़ी के साथ एक छोटा सा कंस्ट्रेंट ये है कि मैं ना येलो या गोल्डन के साथ ही इसको स्टाइल कर सकती हूँ, बट नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये भी एक प्रिंटेड ब्लाउज है विच इज़ गोइंग वेरी नाइसली विद दिस ब्लैक साड़ी। बहुत सिंपल से ब्लाउजेज हैं बट बहुत बहुत स्मार्ट लगते हैं, स्पेशली कॉटन साड़ीज के साथ ये बहुत बहुत एलिगेंट लगते हैं, सेम जैसे इस ब्लैक साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगेन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि इस ब्लैक साड़ी के साथ मैं ये येलो ही के साथ कुछ कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेरा ये जो है ये ना एक्चुअली येलो कलर का प्लेन ब्लाउज है जो मैंने स्टाइल किया है। इसमें बस ये है कि इसका जो कॉलर का डिज़ाइन है वो बहुत स्मार्ट लगता है मुझे इस तरह से, ये स्टैंड कॉलर में है, एंड सेम ब्लैक साड़ी के साथ ये बहुत बहुत अच्छी तरह से एनहेंस हो रहा है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। एंड सेकेंडली, आई होप ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो में वो आपके लिए यूजफुल रहें। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इसी बहुत अच्छे से अमेजिंग से वीडियो में। तब तक के लिए ओके, चाचा, बाय बाय।